हेलो, दीपक केळकर देसाई। मैं आपको आज स्व सम्मोहन कैसे करना उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। मतलब सेल्फ हिप्नोटिज्म, स्वयं सम्मोहन, खुद ने खुद के ऊपर सम्मोहित सम्मोहन करना या सम्मोहित होना वो कैसे है उसके बारे में जानकारी देता हूं। जब खुद ने खुद को करने का है सम्मोहन, तो होता क्या है कि हमारा जो बाह्य मन है, कॉन्शियस माइंड या जागृत मन, वो जागृत मन जागृत रहता है और वो अजागृत मन को सूचना देता है। मतलब बाह्य मन जो है वो अंतर मन को सूचना देगा, या कॉन्शियस माइंड जो है वो सबकॉन्शियस माइंड को सूचना देगा। मतलब मैंने ही मेरे सबकॉन्शियस माइंड को सूचना देना है। लोग बोलते हैं कैसा संभव है? वो संभव है, होता है, क्योंकि सम्मोहन जो है, हिप्नोटिज्म जो है, वो कोई बेहोशी की अवस्था नहीं है। उसमें व्यक्ति पूरा कॉन्शियस रहता है, पूरा जागृत रहता है और वो खुद के कॉन्शियस माइंड से, बाह्य मन से, खुद के अंतर मन को सूचनाएं देते रहता है और दे सकता है। तो ऐसे करना, तो इसमें पहले मैं आपको ये बताता हूं कि एक तो बार 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 एक रिलैक्स ऐसा शब्द बार 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 मैं बोलूंगा, या अपने खुद ने बोलना है खुद को रिलैक्स। तो रिलैक्स इसका मतलब शिथिल करना, ढीला करना। तो अपना पूरा बदन ढीला करके बैठने का है, और जब आप बैठेंगे तब दीवार के पास में, कुर्सी के ऊपर बैठने का है, दीवार के पास में बैठने का है, ताकि सिर ऐसा पीछे टिक सके, ऐसा पीछे टिकना चाहिए, मतलब सिर को सपोर्ट हो जाएगा। या आप आराम कुर्सी में बैठ सकते हैं, इजी चेयर में बैठ सकते हैं, सोने का नहीं है, गद्दी पर लेटने का नहीं है, क्योंकि समझो लेट के करेंगे तो आप उसमें ही सो जाएंगे। तो बैठ के करने का है, और मैं बार 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 खुद को रिलैक्स ऐसा बोलूंगा, मतलब आपने अपने आप को बोलने का है रिलैक्स। तो रिलैक्स मतलब बॉडी बदन शिथिल करना। फिर बार 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 स्लीप 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 ऐसा अपने को बोलने का है। स्लीप इसका मतलब ऐसा हो गया सोना। तो स्लीप जब अपन बोलते हैं, इसका मतलब अपन गद्दी पर लेटे हुए, बेड के ऊपर लेटे हुए, ऐसी कल्पना करने का है, सोने का नहीं है, स्लीप। फिर बार 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 डीप ऐसा बोलने का है। डीप मतलब गहरा। तो डीप इसका मतलब आप अंधेरी गुफा में अंदर 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 जा रहे हो, आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा आ रहा है और आप गहरी गुफा में अंदर जा रहे हो, ऐसी कल्पना करने का है। तो जब ऐसी कल्पना करते जाएंगे, आप गद्दी पर लेटे हैं और नींद ले रहे, ऐसी कल्पना करेंगे, पूरा बदन रिलैक्स करेंगे, तो धीरे 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 आप खुद ही सम्मोहन अवस्था में चले जाएंगे। शवासन जो है वो शवासन सम्मोहन अवस्था का, मतलब सम्मोहन अवस्था की पहली स्टेप है, पहली पायरी। शवासन इसका मतलब शव जैसा आसन, लाइक ए डेड बॉडी। तो एक तो पूरा डेड बॉडी जैसा आप रिलैक्स हो जाएंगे, पूरा रिलैक्स, कंप्लीटली पूरा बदन रिलैक्स, और फिर पूरा रिलैक्स बदन करके कुर्सी पे बैठे हुए हैं और आप अंगूठे से लेके एक 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 बदन के हिस्से को रिलैक्स 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 करते जा रहे हैं। जैसे अंगूठे रिलैक्स, फिर पैरों के पंजे रिलैक्स, फिर घुटने रिलैक्स, फिर दोनों पैर रिलैक्स, फिर पेट, कमर, पीठ, सीना रिलैक्स, कंधे रिलैक्स, दोनों हाथ रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स, जबड़ा, गाल, आंखों की पलकें, आंखें, माथा, सिर, ऐसा पूरा रिलैक्स 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 करते जाना है। पूरा बदन रिलैक्स करने का है, गद्दी पर लेटे हुए ऐसी कल्पना करने की है, और आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, अंधेरा आ रहा है, और आप गहरी गहरी गुफा में अंदर अंदर जा रहे हैं, ऐसी कल्पना करना है, और ऐसा करते 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 आप सम्मोहन अवस्था में चले जाएंगे। सम्मोहन अवस्था मतलब बेहोशी की अवस्था है नहीं, आपको बाहर के आवाज सुनाई आएंगे, आप जागृत अवस्था में है, और वो अवस्था में आपने अपने आप को सूचनाएं देने की। सूचना कौन सी देने की है? जो भी आपको चाहिए कि मुझे ये मेरे जिंदगी में नहीं हो रहा है, या समझो मुझे आत्मविश्वास नहीं है, तो सूचना आपने देने की है कि मेरा आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और कोई भी समस्या का सामना मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ में कर रहा हूं, ऐसी सूचना अपने आपको देने की है। ये सूचना देके सिर्फ होगा नहीं, तो फिर क्या करना है? जब हम ऐसे शब्द अपने आप से बोलते हैं, मतलब कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को बोलेगा, उस समय मैं, मेरा आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, पूरा कॉन्फिडेंस मुझे आया हुआ है, और ऐसी कल्पना भी करना है, विजुअलाइजेशन,
और ऐसी कल्पना करके लोगों के साथ में बातचीत कर रहे हैं, कॉन्फिडेंटली आत्मविश्वास के साथ में बातचीत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मतलब ऐसा एक कॉन्फिडेंट आदमी जैसा कर रहा है वैसा अपने आप को देखना है, अपने आप का कल्पना चित्र सामने लाने का है, और इधर बोलने का है कि मेरा आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और कोई भी समस्या का सामना मैं आत्मविश्वास के साथ में कर रहा हूँ, मैं लोगों से आत्मविश्वास के साथ में बातचीत कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, मेरा आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, ऐसी बार 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 सूचना देने का है। और बार 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 सूचना जब देंगे, यूजली मैं ऐसा बोलता हूँ कि एक सूचना 3 बार देने की है, 3 बार देने के बाद में 10 सेकंड रुक जाने का है, फिर वही सूचना फिर और 3 बार देने की है, फिर 10 सेकंड रुक जाने का। तो ऐसे आप 10-10 सेकंड के 3 एटम करेंगे 3 बार ऐसा, तो सूचना सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली चले जाएंगी। अब समझो एक आत्मविश्वास का मैंने बताया, तो वैसे ही कोई भी चीज का हो सकता है, जो भी चीज आपको चाहिए उसकी सूचना है आपने देना, तो वो सूचना देने का है जब आप रिलैक्स हो जाएंगे तब। तब रिलैक्स होने के पहले आप गहरी सम्मोहनावस्था में जाने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि पूरा बदन रिलैक्स किया, फिर अपने आप को आंखें बंद है, पूरा बदन रिलैक्स है, और आप और रिलैक्सेशन अच्छा होने के लिए ये हाथ ऐसे उंगलियां एक दूसरे में फंसा के हाथ पैर के ऊपर रख सकते हैं, और पैरों के पंजे जो है वो पैरों के पंजे आप ऐसे रख सकते हैं, ताकि पैरों के पंजे ऐसे हाथ ऐसे है और आप एकदम रिलैक्स है, रिलैक्स बैठे हुए हैं और खुद को सूचनाएं दे रहे। फिर ये भी आप कर सकते हैं पूरा बदन रिलैक्स करने के बाद में कि मैं अभी 1 से 10 तक गिनती करूंगा, और जैसी जैसी गिनती बढ़ती जाएंगी वैसी वैसी मेरी सम्मोहनावस्था और गहरी गहरी होते जाएंगी, ऐसी सूचना अपने आप को देने का है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ऐसा धीरे धीरे बोलने का है, इससे भी धीरे, मैंने जब अभी जो बोला उससे भी धीरे बोलने का है, जिससे कि व्यक्ति खुद आप सम्मोहनावस्था में और चले जाएंगे, गहरी सम्मोहनावस्था में चले जाएंगे, और फिर आत्मविश्वास बढ़ाने की सूचना देना या स्टेज देने की सूचना देना या पढ़ाई की सूचना, जो भी सूचना अपने आप को देने का है वो सूचना देने का है। 3 बार सूचना देके 1 बार गिनना, ऐसा 3 बार करने का है 10-10 सेकंड के अंतर से, फिर ऐसी 2 अलग अलग सूचनाएं देने का है, और वो होने के बाद में फिर बोलना है कि अभी मैं खुद को जागरूक कर रहा हूं, मैं अभी 3 से 1 तक गिनती कर रहा हूं, और 3 से 1 तक गिनती करके मैं खुद को जागरूक कर रहा हूं। तो ये आप कर सकते हैं जागरूक 3, 2, 1, या और गहरी सम्मोहनावस्था में जाना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अभी मैं 2 मिनट ऐसे ही बैठ रहा हूं, और 2 मिनट में पूरा कल्पना चित्र मेरे सामने लाऊंगा, विजुअलाइजेशन, कि मुझे कहां कहां प्रॉब्लम आते हैं, तो वो प्रॉब्लम जो है वो मैं आसानी से हल कर रहा हूं, जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं आसानी से हल कर रहा हूं, ऐसी कल्पना करना है, अपने आप को देखने का है, और वो 2 मिनट 3 मिनट ऐसा चित्र अपने सामने लाने का अपना खुद का, और उसके बाद में फिर 3, 2, 1 बोल के जागृत अवस्था में निकल जाना, मतलब बाहर निकल जाना सम्मोहन अवस्था से, ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये इसकी प्रैक्टिस यदि आप करते हैं रोज सवेरे शाम कम से कम 2 बार, मैं ऐसा बोलता हूं कि कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको, वो प्रॉब्लम सम्मोहन से, स्व सम्मोहन से, सेल्फ हिप्नोटिज्म से निकल सकता है। सेल्फ हिप्नोटिज्म आपको सीखना पड़ेगा हमारे यहाँ के, या कोई हिप्नोटिस्ट जो है जो आपको सिखा सकता है उससे आपको सीखना पड़ेगा, या फिर पहले किसी से करवा के लेना पड़ेगा हिप्नोटिज्म, जिससे कि आपको जो भी समस्या है वो निकल जाएंगी। समस्या है कौन सी? एक तो बोलने में हकलाना, बिस्तर में पेशाब करना, ये बच्चों की समस्या है, पढ़ाई में ख्याल नहीं, पढ़ाई भूल जाना, फिर ज़्यादा मस्ती करना, स्कूल में जाने का डर है, फिर नींद नहीं आने का है, भूख कम लगती है या भूख ज़्यादा लगती है, दोनों भी इसमें काम में आता है, फिर डर है, बाहर निकलने का डर, रास्ता पार करने का डर, ऊंचे पे हाइट पे जाने का डर, कोई प्राणी का डर, मतलब चिपकली का डर या मतलब बिल्ली का डर, कोई भी ऐसा डर आपको लगता है तो वो डर है, मतलब दुर्भीति, फोबिया। तो ऐसे फोबिया अलग अलग है, एंग्जाइटी है, निराशा है, डिप्रेशन है, तो ऐसे अलग अलग जो डर है वो निकल जाते हैं, हिस्टीरिया की बीमारी है, या कोई भी गुस्सा आना, शॉर्ट टेम्पर्डनेस, फिर स्टेज डेयरिंग नहीं होना, आत्मविश्वास, फिर बार बार हाथ धोने की जो बीमारी है OCD, तो वो भी ठीक हो सकती है, ऐसे अलग अलग काफ़ी सारी बीमारियां इसमें अच्छी हो जाती है। कोई किसी को मतलब ऐसा काम में मन लगता नहीं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, या ऐसी उदासीनता लगती है, दिन कैसा जाएगा मालूम नहीं,
ऐसा कभी कभी होता है, या अलसीपन आ जाता है, मतलब ऐसे काफी सारी बातें जो अपनी जिंदगी में उसमें स्व सम्मोहन हम करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है और अपना जीवन अधिकतम आनंदी खुशहाल हो सकता है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करो ताकि आप आने वाली वीडियो जो आने वाले भी वीडियो है वो आपको मिल सकेंगे, और आप उसको लाइक भी करो, शेयर करो लोगों के साथ में, फेसबुक को शेयर करो, लाइक करो फेसबुक पेज को, और हमारे वेबसाइट को विजिट करो। सो थैंक यू वेरी मच।